यूँ तो हम आज के जमाने में भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते और ये भी सच है कि साइंस भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। तो आज के इस एपिसोड में हम भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहें जहां रहती हैं आत्माएं। एक डॉट भानगढ़ किला। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। जी हाँ, भानगढ़ शहर में बने इस किले को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। भानगढ़ किला की कहानी बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है यहाँ एक जादूगर रहता था जो इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से यह किला खंडहर बन गया। यही कारण है कि शाम होने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता है। दो डॉट अग्रसेन की बावली। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली भारत की सबसे भूतिया जगह है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों का ऐसा दावा कि उन्होंने यहाँ अजीब चीजें महसूस की है, हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तीन डॉट जीपी ब्लॉक मेरठ। मेरठ के जीपी ब्लॉक को भारत का सबसे भूतिया जगह माना जाता है। यहाँ के कई लोगों का ऐसा कहना कि उन्होंने इस बंगले में किसी महिला को घूमते देखा है। मेरठ प्रशासन ने भी इसके अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ लोग घूमने जाते हैं, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ जाना मना है। चार डॉट मुकेश मिल्स। मुंबई के कोलाबा समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। हालांकि यह जगह अपने भूतिया कहानियों के लिए काफी मशहूर है। अभिनेत्री बिपाशा बसु समेत कई कलाकार इस जगह अजीब चीजें महसूस कर चुके हैं। शाम होते ही लोग यहाँ जाने से डरते हैं। पांच डॉट रेलवे क्वार्टर। लखनऊ का रेलवे क्वार्टर को भूतिया माना गया है। इसके बारे में कहानी है कि एक इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो एक अंग्रेज अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अधिकारी के साथ देख लिया और गुस्से में उसने अधिकारी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर लिया। आज भी कुछ लोग क्वार्टर में आत्मा की मौजूदगी को महसूस किए हैं। छह डॉट नेशनल लाइब्रेरी। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अपने डरावने किस्सों के लिए काफी मशहूर है। बताया जाता है कि इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो लोगों को परेशान भी करती है। कई गार्ड से यहाँ नाइट शिफ्ट करने से